नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके हमने जनरल साइंस और जनरल आपका जो जीके है उसका हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। अब आगे बात करते हैं मैथ के क्वेश्चनों की, तो मैथ के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथ का वीडियो, तो स्टार्ट करते हैं 101 नंबर से। आपका क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि 3,000 रुपये खरीदी गई। तो देखिए, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि 3,000 रुपये है आपका क्रय मूल्य आपका कुर्सी का, और यहाँ पर खरीदी गई है जो 6% की हानि से बेची गई थी। ठीक है, बेची गई कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप देखिए, विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 6% की बात कर रहा है, तो 6% 3,000 का होता है 180 रुपये। तो 180 रुपये लेस कर देंगे 3,000 में से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2820। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 690। लॉग 2 256 का मान क्या होगा? तो आप ये कर सकते हैं, जब लॉग 2 और 2 की पावर ये 8 है, तो 8 बाहर चला जाएगा, तो ये 8 इधर की साइड आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा बेस समान 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज जिसमें डी ए बी पर डाला गया है, लंब ए बी को समचतुर्भुज करता था, तब समचतुर्भुज का एक कोण होगा, तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन 60 डिग्री का कोण बनेगा। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये और उस आदमी को दो क्रमांक बट्टे प्राप्त करने के पश्चात 550.80 रुपये में खरीदता है, तो यदि पहला बट्टा 10% तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन 15%। 25,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका आंसर है 5,250 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु का क्रम, तो इसका आंसर है 8 सेमी। 107 में का आंसर है ए ऑप्शन। बिंदु पी के निर्देशांक जो बिंदु ए 4-5 तथा ये 6-3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:5 में काटती, तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 32/7 -19/7। निम्न में से कौन सा निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश के अंदर बात करते हैं, तो ये प्लस प्लस, ये आपका माइनस और प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस का वाला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले पर आप त्रिभुज समांतर होंगे यदि दिया गया त्रिभुज कोई भी आकृति का हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 111 का, एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक भारी किनारा 180 सेमी लंबा है, टंकी की भारी सतह को तली को छोड़ दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 सी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 12.36% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो, तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 44%। 114 नंबर देखते हैं। संख्या 3589 का वर्ग होगा, 3589 का वर्ग होगा, तो इसका आंसर है 12,88,0921 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 115 नंबर का क्वेश्चन आपको बोल रहा है, 2.2 घन सेमी 0.5 सेमी व्यास के एक बेलनाकार तार में खींचा गया है जाता है, तब तार की लंबाई होगी, तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन 112 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक शंकुकार टैंक टेंट का आयतन 1,232 मीटर क्यूब तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 116 है, इसका आंतर है 550 मीटर स्क्वायर डी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि समांतर श्रेणी में हों, तो भुजाएं होंगी 3, 4, 5 होंगी, इसका आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी में तो 3, 4, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो समीकरण x प्लस 5/2 प्लस x माइनस 5/3 बराबर 25/6, तो इसका अगर x का मान 4 रख दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन आएगा 25/6, तो ये आ जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5,005 के अभाज्य खंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 5, 7, 11 और 13 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। 120वें का आंसर देखते हैं। तो 7,04,969 का घनमूल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 89 का ये घनमूल है। ठीक है, 89 का घन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 121 में बोल रहा है कि ए बी सी तीन लोग हैं जिन्होंने 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि की। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,900 रुपये है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3,150 रुपये ए ऑप्शन। 121 का ए ऑप्शन। 122 का देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो 7 किमी दूरी के लिए भाड़ा 27 तथा 5 किमी दूरी के लिए भाड़ा 21 है, प्रति किमी भाड़ा क्या होगा?
इसको जब सोल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 रुपये। यहाँ पर अंतर की बात कर रहा है, दंड आरेख बोल रखा है और उम्मीदवार तथा उत्तीर्ण उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या में अंतर बात कर रहा है। तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा अंतर जो है वो आपका है 12, और ये 4 के 12 और ये 4 और 2 के बीच में तो 3, ये 12 है ये 3 है, इनके बीच के अंतर है आपका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ई ऑप्शन, तो यानी कि ई आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 90 मीटर ऊंची चट्टान की शीर्ष से एक टावर के शीर्ष, तो 124 में को देख रहे हैं हम, तो एक एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 60 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 25 बटा x+y - 3 बटा x - y = 1, तो और ये दूसरा इक्वेशन आपको दे रखे 40 बटा x+y + 2 बटा x - y = 5। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स बराबर 6 मान रखने पर और वाई बराबर 4 मान रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। अगला वर्गमूल पूछ रहा है, तो वर्गमूल पूछ रहा है तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, 3, 2, 1, 4 का ये वर्गमूल है, ठीक है, वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 एवं 12 के तृतीय अनुपात से 4 एवं 9 के मध्यानुपात का अनुपात है, तो 8 और 12 और इनका अगर अनुपात देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 3:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है उसके अंदर ये दिया हुआ है, कोण दे रखे हैं और ये इस तरीके से, तो इसका कोण ए का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 128 में का आंसर है ए ऑप्शन, π/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 सेमी व्यास की एक रजत गेंद को सोने से ढका जाता है, यदि सोने और रजत का आयतन समान हो तो सोने की मोटाई क्या होगी? तो इसमें आपको आयतन निकालना, ठोस गोले का आयतन दोनों के बीच का अंतर निकाल के करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.519 सेमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक घन तथा घनाभ का आयतन समान है, घनाभ के आयामों का अनुपात 1:2:4 है और 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ की पॉलिसी की लागत का अंतर 80 रुपये है, तो उनका आयतन होगा, तो इसका ये आंसर है 64 मीटर क्यूब, ए ऑप्शन। 131वां क्वेश्चन देखते हैं, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर, इसके अंदर की वायु का आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका 462 मीटर क्यूब, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान हो तो गोले की त्रिज्या होगी? तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, 3 इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी? तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 52,020। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक संख्या ये दे रखा है, संख्या के किस समुच्चय का माध्य माध्यिका एवं बहुलक का मान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1,3,3,3,5। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक घनाभाकार कांच का डिब्बा 25 सेमी लंबा है, 20 सेमी चौड़ा तथा 10 सेमी ऊंचा है, कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल होगा? तो कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल होगा 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेमी है तो इसका आयतन होगा? तो इसका आंसर है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, 90 मीटर में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 14.14 सेमी। 138वें क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों, 138 में बोल रहा है, एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप की लंबाई 25 सेमी तथा त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो कैलिडोस्कोप के वक्र का क्षेत्रफल होगा? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 138वें का आंसर है बी ऑप्शन, 550 सेमी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री बटे सेक स्क्वायर, तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1। 140 में को देखते हैं, 140 में का जब इसको सॉल्व करेंगे इनके सबके वैल्यू रखने के बाद में, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका, 6√3 - 1/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आपको रेखा दे रखी है इस तरीके से, उसके ऊपर दो रेखाएं, तो ये इसके अंदर पूछ रहा है कोण सी ओ डी पूछ रहा है, कोण सी ओ डी इस कोण के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, 95 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840/8%, तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा 142 में का आंसर है ए ऑप्शन, 2000 रुपये। जब इसका आपस में 143 में 105 × 105 × 105 जब आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1157625 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक देश की आबादी के दशक तक आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, तो आबादी को औसत दशक वृद्धि देखनी है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 9.82%।
अगला क्वेश्चन, यदि एक्स का 48% वाई के 80% के बराबर है तो इसका आंसर होगा आपका, तब एक्स अनुपात वाई पूछ रहा है तो एक्स अनुपात वाई आप निकालेंगे जब इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बेटे और पिता की आयु का अनुपात 1:13 है, यदि 10 वर्षों के बाद अनुपात 1:3 हो जाता है तो बेटे की वर्तमान आयु होगी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है के फैक्टर पूछ रहा है आपसे, गुणनखंड होंगे इसके, तो 147वां, 147वां वन माइनस एक्स का होल क्यू और 1+x³ के गुणनखंड है, तो इसका वो पूरा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 148वें नंबर का क्वेश्चन है, 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 पर संगठित ब्याज से 30 रुपये कम है, तो इसका आंसर हो गया 3 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त के व्यास की अंतिम बिंदुओं का निर्देशांक, तो व्यास वृत्त दे रखा है, इसका व्यास है ठीक है, तो मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, केंद्र आ जाएगा, मध्य बिंदु निकालने के बाद में दोनों बिंदुओं को रखने पर, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 6√6 और 1√5 ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 150वें नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज तथा पी क्यू समांतर है आपके आर एस के, यू तथा बी असमांतर भुजाएं पी एस तथा क्यू आर पर दो बिंदु इस प्रकार है कि यू बी समांतर है पी क्यू के, तब आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, SU×RB बराबर UV×BQ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये LDC एग्जाम का मैथ का सॉल्यूशन का रिव्यू था, और जो फाइनल आंसर की होगी वो RSMSSB की साइट पर जो डाली जाएगी वही मान्य होगी, ये हमारी तरफ से हमने सब चीज़ों को देखते हुए आंसर निकाले हैं, फिर भी RSMSSB की जो आंसर की होगी उसी को वैलिड माना जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।